निर्वाचित विधायक गण की बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का उसको मुझे स्वीकार करें, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहे अपने अलग से तो वो हमारे प्रभारी जो आए प्रवेक्षक बैठे हुए हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये हुआ सर, जो नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए हार हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, राजस्थान को फिर भी डाउटफुल मानते थे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास, ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे वो शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2% 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है, आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका वैश्विक लेवल पर ही विस्तृत होगा, बातचीत करेंगे भी क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम सब जो चुनाव हुए हैं तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। पर मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर, हर व्यक्ति जवान भी था भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था, ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकमिंग कहलाती है, सत्ता विरोध लहर वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो एक स्वर में कहते थे कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जो सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी, शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी दी हम लोगों ने, परफॉर्मेंस अच्छे किए, लागू होगी गारंटी भी और स्कीमें हमारी, सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को, इसलिए हर आदमी जवान पे था सरकार तो रिपीट होगी। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पांच सात मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर परफॉर्मेंस पर हमारी कोई गलतियाँ हैं कमियाँ हैं इसकी में कोई कमी है उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने, वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले उन्होंने, उनको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को, 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे लोगों को, भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का, महिलाओं पर अत्याचार है, इन्हें पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है, हम तो तुलना नहीं करना चाहते। हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी, इतने मैं कहना चाहूँगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उसमें वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं ना कानून देखते हैं ना गारंटी देखते हैं। अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही मंत्री कौन कर रहा है अभी, तो मैं उनके बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। पर मैं तो इतना ही कहूँगा उन्होंने चुनाव जो जीता है, हमें जीता हारने का दुख नहीं है, उतने चिंता हम लोगों की है कि देश में क्या होगा, जहाँ जुडिशरी की धज्जियाँ उड़ रही है, जुडिशरी के तो दबाव में है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, और ED इनकम रेट CBI और इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ लोकतंत्र का क्या होगा।
देश किस दिशा में ले आ रहे हैं कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता रहने की स्थिति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी पार्टी की, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरी भूमिका रहेगी, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा लोगों की, किसी के रूप में सेवा करता रहूंगा।